आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने ट्यूसडे को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के चेयरमैन को एक लेटर लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डायरेक्शंस के मुताबिक लेटरल एंट्री एडवर्टीजमेंट को कैंसिल करने की बात। हम आपको बता दें कि पिछले सैटरडे को यूपीएससी से 45 पोस्ट के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकला था। इनमें 10 जॉइंट सेक्रेटरीज और 35 डायरेक्टर्स यानी डिप्टी सेक्रेटरीज की पोस्ट शामिल थी, जो इस बेसिस पर फिल करने जाने वाली थी। इस स्कीम का मकसद ये था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जा सके, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर्स से हो। लेटरल एंट्री का मतलब है ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में लाना जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सर्विसेज कैडर्स जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी IAS के बाहर से होते हैं। ये लोग मिड और सीनियर लेवल पोजीशंस पर अपॉइंट किए जाते हैं। आपको बता दें ये डिसीजन उसके अगले दिन आया जब बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने मंडे को अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि बिना रिजर्वेशन दिए गवर्नमेंट पोस्ट में किए जाने वाले जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में पॉलिटिकल रो को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लेटर एंट्री को दलित ओबीसी और आदिवासी पर अटैक बताया। इसके जवाब में सेंटर ने कांग्रेस पर मिसलीडिंग क्लेम्स लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में हो रही लेटरल रिक्रूटमेंट्स का एससी और एसटी के ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया कि लेटरल एंट्री के कंसेप्ट 1970s से कांग्रेस लेड गवर्नमेंट से शुरू हुए थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे नाम शामिल है इसमें। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह को 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी लेटरल एंट्री के जरिए बनाया गया था। उन्होंने कहा अपने लेटरल एंट्री शुरू की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसे मेथोडोलॉजिकल बनाया है। तो ये थी समय की सबसे बड़ी खबर कि यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने ये एक लेटर लिखी है यूपीएससी के चेयरमैन को। हम आपको बता दें कि ये जो लेटर है लेटरल एंट्रीज के ऊपर लिखी गई है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं हिमानी कंधारी।